प्रदेश की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान में 19 नए जिलों का गठन किया था। इसके बाद प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर 50 हो गई थी, लेकिन गत वर्ष के अंत में हुए विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन हो गया और अब शासन की कमान भाजपा सरकार के पास है। लेकिन जब से प्रदेश में भाजपा की भजनलाल सरकार बनी है, तब से यह आशंका जताई जा रही थी कि नए जिलों को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला कर सकती है। इसी कड़ी में भजनलाल सरकार ने नवगठित 17 जिलों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बाकायदा सरकार ने एक आदेश जारी किया है और मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया है, जो नए जिलों के गठन की समीक्षा करेगी। इस समिति में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा को संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैयालाल चौधरी, हेमंत मीणा और सुरेश सिंह रावत को सदस्य बनाया गया है। वहीं समिति का प्रशासनिक विभाग राजस्व विभाग होगा। इसके अलावा सदस्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव और शासन सचिव भी राजस्व विभाग के होंगे। अब यह कमेटी नए जिलों के गठन पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद एक बार फिर से यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या भाजपा सरकार नए जिलों को फिर से समाप्त करेगी? क्या 17 नए जिलों में से कुछ जिलों का जिले का दर्जा छीन लिया जाएगा और उन्हें फिर से उपखंड या तहसील बना दिया जाएगा? क्या राजस्थान का फिर से नक्शा बदल जाएगा और पहले वाला ही मानचित्र फिर से अस्तित्व में आ जाएगा? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, मगर इन सवालों के बीच सरकार का कहना है कि नए जिलों और 3 संभागों के गठन की घोषणा के बाद विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव होने के कारण इन जिलों और संभागों के गठन की पूरी प्रक्रिया अभी तक संपन्न नहीं हुई है। ऐसे में कमेटी इन जिलों और संभाग में प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, सुचारू संचालन, प्रशासनिक आवश्यकता, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के लिए अपनी रिपोर्ट और सुझाव सरकार को प्रस्तुत करेगी। ऐसे में अब देखना होगा कि मंत्रिमंडल की यह समिति इस मसले पर सरकार को क्या रिपोर्ट पेश करती है और रिपोर्ट के आधार पर सरकार क्या फैसला करती है।